अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है आप सब? अच्छा, ये है जनाब इंक्लाइंड बेंच प्रेस, और मैं आपको लगा के दिखाऊंगा इंक्लाइंड बेंच प्रेस कैसे लगानी चाहिए, क्यों लगानी चाहिए, कितनी लगानी चाहिए और वजह क्या लगाने की। तो भाई, ये बेसिकली ये इंक्लाइंड बेंच प्रेस जो होती है, ये आपकी अपर चेस्ट के लिए होती है, ये इसे ब्रॉड करने के लिए, चौड़ा करने के लिए, ऊपर वाले मसल्स के लिए। तो इसके लिए आपको चाहिए इंक्लाइंड बेंच, जैसे ये है मेरे पीछे, ये रॉड, प्लेट्स। प्लेट्स वो यूज़ करनी है पहले सेट में, कि जो आप मतलब 15 से 20 रैप्स पहले सेट में लगा लें, क्योंकि पहला सेट ही होता है बेसिकली, ये होता है वार्म अप सेट। और बाद में आहिस्ता आहिस्ता वेट बढ़ाते रहें। और याद रखें कि अगर आप लाइट वेट यूज़ कर रहे हैं, फिर तो पार्टनर की जरूरत नहीं है किसी हेल्पर की। लेकिन अगर आप हैवी वेट यूज़ कर रहे हैं इंक्लाइंड बेंच प्रेस, तो मस्ट भी आपका पार्टनर, दोस्त, साथी आपके पीछे खड़ा हो, ताकि किसी किस्म आप अनबैलेंस होता है वेट, तो वो उसे पकड़ सके। तो अब हम शुरू करते हैं इंक्लाइंड बेंच प्रेस। सिंपली बेंच पे लेटे हैं, इंक्लाइंड बेंच पे, और आपकी कमर, सर वगैरह बेंच के साथ फुली टच हो। इसके अलावा ये 90 डिग्री पे आर्म को रखते हुए आपने रॉड को पकड़ना है, मतलब यहाँ भी ना हो, यहाँ भी ना हो, बिल्कुल ये 90 डिग्री पे हो। इसके बाद आपने रॉड उठाएं और कोशिश करें जितना हो सकता है ये आपकी गर्दन के करीब आए रॉड। फिर इसको ऊपर उठाएं, नीचे, ऊपर, और जितना हो सकता है स्लो रैप्स लगाएं। स्लो रैप्स लगाएंगे जितना उतना इफेक्टिव होंगे, ज़्यादा स्पीड मारने की ज़रूरत नहीं है। ये जितना हो सकता है स्लो लगाए, स्पीड मारने की बिल्कुल कतन जरूरत नहीं है। ये एहतियात से वापस रखें और यूं अपना एक सेट कंप्लीट करें। तो किसी को देख के ज्यादा वेट डालने की जरूरत नहीं है, यार उसने 20-20 किलो वाली प्लेट डाली है, 30-30 किलो वेट डाला हुआ है, तो मैं भी उतना लगाऊं? नहीं, जो आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी ज़रूरत है, उसके मुताबिक आपने वेट लगाना है। और स्पीड मारने की ज़रूरत नहीं है रैप्स में, स्लो, बिल्कुल स्लो रैप्स लगाएं, उससे ज़्यादा असर पड़ेगा आपकी बॉडी में। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।